भाटी साहब सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव, प्रशासन से पूछिए अच्छी बात है, आपका काम है, सरकार से पूछिए अच्छी बात है, लेकिन गिरफ्तारी हो गई तो सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए, अरेस्टिंग कीजिए, लोगों से पूछताछ कीजिए, डिटेन कीजिए, अब वही किया गया है तो सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि परिवार ने पत्र लिख दिया इसलिए, या वहां पर भी वोट बैंक दिख रहा है? देखिए, इस घटना के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि इस तरह के बाबा बहुत संख्या में समाज में क्यों पनप रहे हैं, उनके अनुयायी क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए क्या कोई हमारी शिक्षा में कमी है, हमारे समझाने में कमी है कि समाज में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है? ये सवाल एक अपनी जगह, इस पर भी हम खुली बहस करने को तैयार हैं, अगर राजनीतिक लोग या पत्रकार चाहें इस पर भी चर्चा कर सकते। दूसरा, इस हादसे का हादसा जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा दोष तो प्रशासन का है। अगर एसएन सिंह कह रहे हैं कि सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, अगर तुरंत आप कार्रवाई करते तो आप तो जिले के डीएम और एसएसपी को अब तक सस्पेंड कर देना चाहिए था, तुरंत तभी कर देना चाहिए था। अब प्रशासन ने अनुमति दी है, भीड़ इकट्ठी होगी, इंतजाम कुछ नहीं किया, ये जिम्मेदारी प्रशासन की थी। जो आयोजक है वो अपनी जगह दोषी नहीं है, आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई सेवादार गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है? मैंने फिर आप भी मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। एसएन सिंह से आप भी मेरे सवाल को टाल गए, आप भी टाल रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव गिरफ्तारी पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि गिरफ्तार शख्स यादव है और वहां वोट बैंक है और मैनपुरी का रहने वाला है, इसलिए। देखिए, इस हादसे में दोनों बाबाओं की जिम्मेदारी बनती है, जो बाबा सत्संग कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और जो बाबा सरकार चला रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। दोनों बाबाओं को वो लगातार सवाल उठने चाहिए। ये अगर फूक फूक के अपनी मर्जी से अपने सुविधा के अनुसार गिरफ्तारियां करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार बयान देंगे। अभी एसएन सिंह ने इतनी गैर जिम्मेदारी भरी बात कही है कि इनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े होंगे उनके खिलाफ क्या आप कार्रवाई नहीं करेंगे? या ये जिम्मेदारी तो जो आपने, आप ये इस सवाल का जवाब दीजिए कि जहां 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे वहां प्रशासन ने कितनी पुलिस तैनात की थी, कितनी एम्बुलेंस थी, कितनी फायर ब्रिगेड थी, कितने डॉक्टर थे, कितनी चिकित्सा की व्यवस्था खड़े किए जा रहे हैं? बाटी साहब, जिनको गिरफ्तार किया गया है सवाल तो उन पर खड़े किए जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि क्या एसएन सिंह की पार्टी या सरकार जिनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े होंगे उन पर एक्शन नहीं लेगी, आप ये कह रहे हैं? अनामिका जी 10 ही सेकंड बोलिए। देखिए आदरणीय भाटी जी, शायद मेरी बात को सुने नहीं, हमने कहा कि हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जिसमें खुद गुनाह करते हैं। जैसे मथुरा के राम वृक्ष यादव कांड में समाजवादी पार्टी सरकार गुनाहगार थी, और अगर वो कांड होता है मुजफ्फरनगर का, उसमें स्वयं समाजवादी पार्टी सरकार गुनाहगार थी। इसमें जो गुनाहगार है उसको ढूंढा जा रहा है। और तीसरी बात, मैंने कहा समाजवादी पार्टी पे लांछना नहीं लगा, मैं कहा कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये जांच का विषय। लेकिन समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी क्यों इतनी परेशान है? क्या जब चुनाव चल रहा था उस समय जिस तरह की घटनाएं देखी जा रही थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो कहीं ऐसे कार्यकर्ता तो नहीं? अभी हम डिरेल नहीं करेंगे, हम नहीं हटेंगे, चुनाव की बात नहीं करेंगे, अभी बहुत बहुत संवेदनशील मामले पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पर रहिए ज्यादा बेहतर है, और कम से कम राजनीति उस पर नहीं करें। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी राजनीति साहब जल्दी से 20 सेकंड फिर और गेस्ट के पास जाओ, दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई करती है और करके दिखाएगी। जो एसएन सिंह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जाति देखकर धर्म देखकर कार्रवाई करती है, पुरस्कार देती है, विपक्षी पार्टी पर तो आरोप सभी लगाते हैं, राजनीतिक लोग लगाते हैं। आपकी तो अपनी मंत्री कह रही है कि बीजेपी की सरकार जनरल कास्ट के लोगों को नियुक्ति दे देती है, ओबीसी और एससी को एनएफएस कहकर रोक देती है, नॉट फाउंड सुटेबल, ये आपकी मंत्री ने पत्र लिखा अभी इसी सप्ताह में, केंद्रीय मंत्री आपकी 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 सरकार की मंत्री आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है। हम आप पे नहीं जा रहे हैं कि शिवपाल जी ने क्या कहा उस समय, रामगोपाल जी ने क्या कहा? आदरणीय आज की रतेंद्र भाटिया कि आपके समय में घटना, रतेंद्र भाटिया क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर नहीं लगता है कि सबको साथ आ जाना चाहिए? कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति मत कीजिए। और मैंने इसके पहले जब भी इस मुद्दे पर डिबेट किया है मैंने हमेशा कहा है कि कम से कम इस पर राजनीति मत कीजिए, आप साथ में आइए, अरेस्टिंग हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसका समर्थन कीजिए, इस पर राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है कि आप बाबा के पीछे मत जाइए, बीएसपी के साथ आ जाइए, कोई कह रहा है कि भाई यादव को गिरफ्तार किया गया, परेशान किया जा रहा है। मैडम 121 आदमियों का इसमें शहीद हो गए, जो भी कहिए इसमें वो बेचारे मारे गए, 121 लोगों की वैल्यू ये लोग नहीं समझ रहे कि हमारे देश में ना
एक आम आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं है। 121 आदमी जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, वो मारी जाती हैं, और इसको अभी भी इन लोगों को राजनीति की पड़ी हुई है, इन लोगों को ये पड़ी हुई कि हमारी साख कैसे बचेगी, समाजवादी की साख कैसे बचेगी या उनकी साख कैसे बचेगी। इनको शर्म करनी चाहिए, इनको एक साथ आके अगर वो बाबा की गलती है जिसने ये आयोजन किया था तो उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। उसके खिलाफ कोई राजनीति पार्टी बात नहीं करती नहीं है, कर इसलिए कि उसके पास वोट बैंक है। हाँ। कोई आदमी उसके खिलाफ नहीं कर रहा है। अगर कोई कार्रवाई करने जाता है तो उसमें कमियां निकाली जाएंगी कि आप उसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, सही आदमी को नहीं पकड़ रहे। अरे भाई, अरे 125 आदमी अभी उसमें मारे जा चुके हैं, आपने एक सीधा कह दिया, सीधा डीएम और एसपी को हटाइए और आगे काम कार्रवाई कीजिए। जो डीएम एसपी उस वक्त मौजूद थे उनको हटा के नहीं, उनके साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी उस बाबा को पकड़ने की जरूरत है, अगर वो दोषी है तो उसको गिरफ्तार कर, बाबा को गिरफ्तार कीजिए। और ये सवाल सरकार प्रशासन विरोधियों से इसलिए है क्योंकि भाई विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी क्यों कर ली गई है। सरकार कह रही है कि भाई हम अरेस्टिंग करेंगे, राजनीतिक कनेक्शन की जांच करेंगे, लेकिन बाबा मीडिया को बुलाकर बात करते हैं लेकिन बाबा गिरफ्तार नहीं होते। वरुण पुरोहित, बाबा का नाम लिए बिना बचने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि भाई कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। बाबा का नाम नहीं लेंगे, सेवादारों की बात कर दीजिए, पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ लीजिए। विपक्ष के नेता, सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र के विपक्ष के नेता सबसे पहले हाथरस जाके जो दुखियारों से मिलकर आए उनकी उनको सांत्वना देने का प्रयास किया, और आप सब जगह नैरेटिव किए राहुल गांधी ऐसे क्यों। राहुल गांधी ने तो मांग करी है शुरू से, हम मांग कर रहे हैं उस बाबा, कोई भी फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो। और मैं तो ये प्रश्न उठा रहा हूँ, 7 साल 8 साल हो गए इस योगी बाबा को सरकार चलाते, बुलडोजर कई गरीबों के तो बिगल जुडिशियल प्रोसेस के आप बुलडोजर चला देते हो। अब यहाँ जांच भी करोगे, न्यायिक आयोग भी चलेगा, उसके बाद जाके बाबा को पकड़ोगे। और बाबा कैसे कह रहे हो पाखंडी को, तो मैं कह रहा हूँ उस पाखंडियों को बाबा ही कैसे कह रहे हो। ये बाबा ना, ये बाबा 7-8 साल में नहीं बन पा है क्योंकि आपकी सरकार ही नहीं रही है तीन दशकों से उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप पे आरोप भी नहीं लगाएंगे, आपसे सवाल भी नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप राजनीति करेंगे मामले पर तब आपसे सवाल करेंगे। ये सवाल समाजवादी पार्टी बीएसपी और बीजेपी से जरूर हो सकता है कि भाई सरकारों में पनपा है ये आदमी। अनामिका जी, आपका आदेश हो तो वरुण जी से एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ लूं। जल्दी पूछ। अरे वरुण जी, आपको तो बताना होगा कि क्या राहुल गांधी बीजेपी किसी दिन जगते और कहीं कहीं पे जाते हैं। राहुल गांधी जी तमिलनाडु गए कि नहीं गए? वरुण जी, राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल गए कि नहीं? राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता है, वरिष्ठ नेता, उनको तो सभी जगह जाना चाहिए। अगर पर्यटन करना है अभी 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 और दो गेस्ट है, मैं उनसे अभी रिएक्शन नहीं ले पाएंगे। अनामिका जी, इस बाबा को तो चुप कराओ डिबेट में। अरे आप तो बोलिए सर, बाबा का प्रवचन चुप कराओ, दूसरा बोलेगा ही नहीं क्या? बोलिए। भारत में भारत के लोगों को ही चुप करा देंगे? किसके हाथ में प्रशासन, किसके हाथ में है 7-8 साल से प्रशासन, किसके हाथ में है 7-8 साल से? पुरानी सरकारें दोषी थी, जब भी तो योगी बाबा को। अरे 84 दंगों के नागार अगर टीवी पर बैठ के ऐसी बात, आप 7-8 साल में क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस क्या हंसेगी, कहेगी पहले माफी मांगिए 84 के दंगों के गुनागार, तमिलनाडु में जा नहीं रहे, बाहर लगा रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है, परमिशन कैसे दी? जाते नहीं है, पश्चिम बंगाल में जाते हैं। खान साहब, और मायावती आज घटना के 4th-5th दिन पोस्ट कर रही हैं एक्स पर और कह रही हैं कि आप पाखंडियों के साथ मत जुड़िए, आप बीएसपी के साथ जुड़िए। अगर बीएसपी ने उनके हितों का इतना ख्याल रखा होता तो सरकार से बाहर नहीं किया गया होता, वोट बैंक उनका छिटकता नहीं, जिसको अब वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया के जरिए और हादसे पर राजनीति कर रही है। हादसे पर कोई राजनीति नहीं कर रही है, हादसे का बता रही है कि अगर मेरी सरकार होती तो हादसा नहीं होता। अच्छा, उनका 5 साल सरकार में रही है फुल फ्लैश, कोई हादसा हो बताइए आप, कोई हादसा हो बताइए। सवाल इस बात का है कि 80,000 लोगों का परमिशन लेने के लिए जो सेवादार गए थे और जो एसडीएम और जो इंस्पेक्टर और जो चौकी इंचार्ज जिसने उन पर लिख के दिया कि हाँ दे दिया जाए, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया अभी तक? उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? अच्छा, एसडीएम को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? एसपी को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? आप उनको ट्रांसफर करिए, इनको सस्पेंड करिए, तब निष्पक्ष जांच हो पाएगी। आप अपने लोगों को घसीट रहे हैं, बना रहे हैं और जलेबी बना रहे हैं, इनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया। अरे एसडीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया भाई? अभी तक तहसीलदार को बर्खास्त क्यों नहीं किया? अभी तक जिसने परमिशन दिया उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या सवाल आपको कर रही है, क्या सवाल जवाब मांग रही है? असलम जी, आप